देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का, बंद के बारे में जिसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। किसान संगठनों ने कृषि कानून के खिलाफ 10 महीने पूरे होने पर बंद का ऐलान किया। ये बंद शाम 4 बजे तक रहेगा। भारत बंद को कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, TMC, RJD, BSP समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषण करने वाली सरकार को ये पसंद नहीं, इसलिए आज भारत बंद है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि फसल किसान की है, लेकिन BJP सरकार इन पर अपने खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने को आतुर है। वहीं SP नेता अखिलेश यादव ने कहा कि अन्नदाता का मान न करने वाली दबंगी BJP सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। तोमर ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर किसानों द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। आपको बता दें, किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर NH9, NH24 को जाम कर दिया है। यातायात बिल्कुल ठप है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। पंजाब में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। हाईवे रेल ट्रैक को रेलवे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े करके जाम कर दिया गया है। जम्मू जलंधर बाईपास और पंजाब हिमाचल सीमा में बड़े बड़े ट्रॉले खड़े कर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है। हरियाणा के रोहतक में स्टेट हाईवे पर जाम है। सोनीपत रेलवे स्टेशन की पटरी पर किसानों का जमावड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट से ही किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते सड़कें बंद होने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। एक नोएडा निवासी की ओर से दायर एक याचिका पर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से समस्या का समाधान निकालने को कहा था। कोर्ट ने सरकार से कहा था कि प्रदर्शन में कोई बुराई नहीं, लेकिन सड़कें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा आंदोलन चल रहा है, भारत बंद की बात सामने आ रही है, और इस बीच कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो इस बंद की मार झेल रहा है। एक और ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है, और तो दूसरी ओर बहुत लंबा समय, 10 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन किसान और सरकार के बीच जो मतभेद है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो विपक्ष की एकजुट होता नज़र आ रहा है और इस बंद को समर्थन देता नज़र आ रहा है। अलग अलग ट्वीट करके हमने देखा किस तरह से प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, सभी सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। और इस बीच आप तस्वीरें देखिए किस तरह से गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। आम आदमी ऑफिस जाएगा तो 2 घंटा पहले समय लेकर निकलेगा, क्योंकि हर जगह यही तस्वीर नजर आ रही है। जाम देखने को मिल रहा है, महाजाम बोल सकते हैं इसको। 2-2 घंटे लोग ट्रैफिक में फंसते नजर आ रहे हैं। और इस बीच किसानों से अगर बोला जाए तो वो कहते हैं कि ये तो आम आदमी के लिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारत बंद को लेकर हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। BJP से अपना पक्ष रखेंगे प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं अनिल गर्ग जी। सर, आपका भी स्वागत है। अनिल जी, मैं आप ही से पहले आऊंगी और समझना चाहूंगी कि जिस तरह से ये पूरी स्थिति बन रही है, 10 महीने हो गए हैं, नाक का सवाल दोनों ने बना लिया है, क्या समाधान है? देखिए, जहाँ तक 10 महीने का सवाल है, ये तो बात ठीक है कि 10 महीने से दिल्ली के सारे बॉर्डर बंद हैं जी। जहाँ तक दूसरी बात आप कैसे नाक का सवाल है, मैं मान कर चलता हूँ केंद्र सरकार ने इसको नाक का सवाल नहीं बनाया है। अगर केंद्र सरकार ने इसको नाक का सवाल बनाया होता तो 10-12 दौर की जो वार्ता हुई है उनकी वो वार्ता होती ही नहीं, वो उनको बात नहीं करते। दूसरी बात ये है कि कानूनों में गड़बड़ क्या है, कानूनों में काला क्या है, कानूनों में सफ़ेद क्या है, इस पर कभी भी कोई किसान नेता चर्चा नहीं करता। बस एक ही मांग है, सारे काले कानून काले हैं और इनको हटा दीजिए। मैं कानूनों को अच्छे ढंग से उस समय भी पढ़ा था, आज भी जब आपने मुझे बुलाया तो उसको मैंने दोबारा देख के आया। तीनों कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी किसान के विरुद्ध हो या देश में किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो, बल्कि ये किसानों को लिबर्टी देता है।
मुझे ये समझ में नहीं आया किसान विरोध किस बात का कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि विरोध करने का तरीका ये तो ठीक है, प्रदर्शन करिए, धरना करिए, लेकिन सड़क को जाम कर दें और वो इतने लंबे समय तक जाम कर दें, ये कौन सा आंदोलन का तरीका है? ये तो आम व्यक्ति को भी तकलीफ पहुंचा रहा है, किसानों को भी तकलीफ पहुंचा रहा है और सबको तकलीफ पहुंचा रहा है। देखिए लॉजिकली बात होती है, कोई बात है, लगता है कि कानून में कुछ गड़बड़ है, आप बताइए, जनता को बताइए, सरकार को बताइए, उसमें बात करें। मौजूद नहीं है लेकिन इस बीच उनका पक्ष में आपसे कुछ सवाल है जो इस तरह हमेशा वो पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि जब आप अमेंडमेंट के लिए तैयार थे तो इसका मतलब कानूनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, जो बातचीत आप अब कर रहे हैं वो बातचीत आप कानून लाने से पहले कर देते। इस तरह के सवाल, इस तरह के अगर शक आम आदमी के मन में आते हैं तो उसको भी सरकार को दूर करना चाहिए। हाँ, सरकार ने कहा अगर कुछ गड़बड़ है, देखिए उसमें क्लोज है, अगर कुछ गड़बड़ है, अगर आप ये बता पाए सरकार, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, उन्होंने कहा अगर आपको लगता है इसमें ये गड़बड़ है, इसको ठीक किया जाना चाहिए, आप हमें समझाइए, हमें समझ में आएगा तो हम इसमें अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं आंख बंद करके, मतलब समझ में तो आना चाहिए इसमें गड़बड़ क्या है। मैं तो तीन कानूनों को कम से कम 30 दफा पढ़ चुका हूं, उसमें मुझे कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। देखिए पहला कानून क्या है, एक कानून ये है कि आप अपनी मंडी में जाके बेचने के लिए बाध्य नहीं है, अपने ही राज्य में बेचने के लिए बाध्य नहीं है, आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी को बेचिए, जहां मर्जी बेचिए, जिस जगह से लेके बेचिए। अनिल जी, ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? अगर सरकार किसानों का हित कर रही है तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए आप अब इसको, इस आंदोलन को पिछले 10 महीने से चल रहा है, इसको थोड़ा स्टडी करिए, इस आंदोलन के पीछे खड़ा कौन है और आंदोलन वाले कर क्या रहे हैं? आंदोलन में किसान नेता जो अपने आप को कह रहे हैं उनके पीछे किसान है क्या? पहली बात, कुछ मुट्ठी भर किसानों से किसान नहीं बनते, लेकिन ये ठीक है किसानों का सेंटीमेंट्स उनके साथ है, ये मैं मान के चलता हूँ, एक बात। दूसरी बात, वो पश्चिम बंगाल में जाते हैं, वो जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाते हैं, तो ये क्या मतलब है? चुनाव राजनीति से किसान आंदोलन का क्या लेना देना? आप ये देखिए, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँगा, पंजाब में वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि इस कानून का आंशिक हिस्सा पंजाब सरकार बहुत पहले से लागू कर चुकी थी। यानी कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार है। और इसको समर्थन कौन दे रहा है? अकाली दल सरकार सरकार में साथ में था, जब ये बिल पास हुआ तो साथ में था, जब उसको लगा कि पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस कहीं माइलेज ना ले जाए तो वो पलटी करके खड़ा हो गया। तो मेरा ही कहना है ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन ना रह के ये एक राजनीतिक आंदोलन बन गया है, और इसको किसान का नाम देके इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर मेरिट पे कोई बात होती तो वो मीडिया में भी आती, आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग भी मानते हैं कि हाँ भाई ये गड़बड़ है और सरकार सुन नहीं रही। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि पार्लियामेंट में कानून पास होगा और सड़क पे उसका निर्णय होगा, ऐसा होगा तो सरकार चलेगी नहीं। ठीक है, प्रदीप जी से इसका इस बारे में बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर आपकी सरकार की बात की जाए माफ कीजिएगा, तो वो लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों के साथ बातचीत की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किसान ये बात बार बार कह रहे हैं कि कानून वापसी के बाद ही घर वापसी होगी, तो सरकार किस राह पर चलेगी? देखिए नवजोत जी, सरकार की पहले दिन से जो राह है वैसी राह पे चलेगी। और सबसे बड़ी बात, ये किसान आंदोलन रह कहाँ गया है? ये किसान आंदोलन के नाम पे ही विपक्षों का एकजुट होकर के चुनाव के माहौल की तैयारी करना है। हर बार वो प्रयास करते हैं, हर बार असफल होते हैं, आगे भी असफल होते रहेंगे। छोटा सा बात मैं बताना चाहूँगा, छोटी सी, कि हम जब किसी व्यक्ति को भूख लगी रहे और उसके पास कुछ ना हो, आलू और कुछ हो, तो आलू छिलके सब्जी बना के खा लेना सबसे समझदारी का काम होता है व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन यदि दोस्तों के बीच में हम यदि कटाक्ष करते हैं या कुछ इस तरह की बातें करते हैं तो कह रहे अरे आलू छिल रहा है। राजेश टिकैत जी आज सुबह सुबह आलू ही छिल रहे थे, राहुल जी के बाद इन्हीं का नंबर आता है, हर बार भद पिटवाते हैं, जब भी ये किसी चैनल पे बोलने जाते हैं, कोई पत्रकार यदि तार्किक तौर पे इनसे कोई तो सवाल पूछता है खत्म कर लेंगे। ठीक है, मैं इंतजार बताइए, हर बात मैं आपसे एग्री करती हूँ कि ये 10 महीने आप इनको बैठने देते हैं, सरकार लगातार आम आदमी जो है वो परेशान हो रहा है, आम आदमी की बात करती है सरकार, तो ये 10 महीने तक क्यों बैठने दिया जा रहा है, ये 10 महीने तक आंदोलन खींचने क्यों दिया जा रहा है? आपको पता है कि ये किसान नहीं है, किसी मंशा के साथ बैठे हैं, तो इन्हें प्रदर्शन की परमिशन क्यों मिल रही है? देखिए, तो सरकार तो लोकतंत्र के पक्ष में रहती है ना, चाहे कोई छद्म आए, चाहे बहरूपिया आए, डकैत आए, टिकैत आए, कोई भी आए, सरकार किसी का लोकतांत्रिक अधिकार तो नहीं मार सकती। सरकार का कर्तव्य है लोकतंत्र की रक्षा करना। अब देश की जनता जानती है, पिछले चुनाव में सबको पता चला कि इनका असर क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में कुछ कह रहे हैं, पंजाब में कुछ कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल गए थे तो कुछ कह रहे थे। तो सरकार, देखिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत सारे लोग आते जाते हैं सड़कों से, सबको परेशानी होती है। सरकार किसी के हनन नहीं कर सकती,
ये लोकतांत्रिक अधिकार है इनका, लेकिन सरकार प्रयास करती रहती है कि कम से कम इम्पैक्ट हो। सरकार हमेशा ये प्रयास करती रहती है कि कोई अनित ना हो। ये लोग लाल किले पे चढ़े और अब भी हम ये जो है इनको स्वीकार करते हैं, हमें पता है ये असली में है कौन, लेकिन चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है सदा सम्मान करती है, इनको क्या करें हम, जबरदस्ती कोई हम लोग कोई हिटलरवादी या जो है संसद पे जो है साधुओं पे गोलियां चलवा दी गई थी कि 60 के दशक में, वैसी सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं इस समय केंद्र में, सबको बराबर सबको सम्मान देती है। ये अब हर बार फेल होते आए हैं देश की जनता को, रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ स्किल, एक अंग्रेजी में कहावत है, तो देश की जनता भी बार बार देख करके समझ गई है कि ये कुछ नहीं है, एक छोटा सा बवाल है, एक इवेंट क्रिएट किया गया, उसके बाद फिर है। आज ट्विटर पे कई सारे ट्रेंड चल रहे हैं, भारत बंद नहीं है नंबर 1 पे चल रहा है, भारत आज बंद है ये नंबर 4 पे चल रहा है। अब इससे सिद्ध हो जाता है कि चलिए सोशल मीडिया पे भी लोग अपनी जो है अभिव्यक्ति का इजहार करते हैं। सोशल मीडिया से बाहर निकल के अगर बात की जाए, जिस तरह से महापंचायत में भीड़ जुट रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी महापंचायत में जो सवाल पूरा कर लूं और कहीं ना कहीं उनकी मंशा भी साफ है कि बीजेपी को वोट नहीं मिलना है। चुनाव देखते हुए सभी पार्टीज ने, अगर आप कहते हैं विपक्षियों ने उनका समर्थन कर दिया है, तो क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी? और ये मुट्ठी भर नहीं है, ये बात वो साफ कर चुके हैं महापंचायत के जरिए। नवजोत जी, जो लास्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था, उस मैदान की हैसियत थी 5000 लोगों को कैटर करने की, उसमें 5000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, ठीक, जहां पे हुआ था ये। अब ये कहते रहो, ढिंडोरा पीटते रहे, एक आदमी एक झूठ को 100 आदमी 100 झूठ बोले तो वो झूठ 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 थोड़ी देर के लिए सच लगेगा, लेकिन असल में जनता जानती है, इस देश की जनता। महापंचायत की जो तस्वीरें आई थी वो तस्वीरें सच नहीं बताती है। 5000 की कैपेसिटी वाला ग्राउंड है नवजोत जी, अब उसमें आप दिखाएं कैमरे के शॉट, लाइव कैमरा अनिल जी का रुख कर लेते हैं, ठीक है। अनिल जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि ये किसान नहीं है, मुट्ठी भर किसान है, क्या वाकई ये मुट्ठी भर किसान है और बीजेपी को लगता है कि ये इलेक्शन में उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है कि बीजेपी के खिलाफ वो इस बार अगर उनका मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी के खिलाफ वो प्रोपोगेट करे। देखो, मैं मान के चलता हूँ किसान आंदोलन का 2 राज्यों में तो बहुत असर है, हरियाणा में और पंजाब में, बल्कि उत्तर प्रदेश में जहाँ से टिकट आते हैं उतना असर मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दिया। ये ठीक है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है इस बेल्ट में उनका थोड़ा असर है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश में उनका असर नहीं दिखाई दिया। तो ये कहना कि मुट्ठी भर है या थोड़े से है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना पक्का है कि पूरे देश के किसान इनके साथ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, किसान कितने साथ हैं ये मुद्दा नहीं है, बात ये है कि जिस मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन हो रहा है उन मुद्दों में जान कितनी है, उन मुद्दों में तर्क कितना है, सच्चाई कितनी है, वो तो मुद्दे से भटक चुका है आंदोलन, तो मुद्दे से भटक चुका है, साफ नजर आता है जिस तरह से पार्टी सपोर्ट कर रही है। यही मैं कह रहा हूँ कि जो आंदोलन जिस मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था, अगर वो मुद्दों से ही भटक गया है तो फिर उस आंदोलन में जान कुछ बची नहीं। दूसरी बात, अभी जो आप प्रदीप जी से कह रहे थे मेरे भाजपा साथी से कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो सरकार इनको हटाती क्यों नहीं, ये बात तो ठीक है कि सरकार ने सीए पे जब शाहीन बाग में लोग बैठे थे वहाँ पे भी यही एक रवैया अपनाया था कि ठीक है हम इनके पास कड़ा रुख नहीं अपनाएंगे, हम उनसे बातचीत करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, इनको समझाएंगे और इनको कहेंगे कि आप अपनी मर्जी से उठ गए। उस समय भी जनता बहुत परेशान हुई थी, आपके नोएडा आने वाले और जाने वाले लोगों को तो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी। इस समय भी जो 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, खासकर आपका उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर है, वो पूरे जाम है, लोग पतली पतली गलियों से जाते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च भी होता है, ईंधन भी ज़्यादा खर्च होता है, समय भी ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन सरकार की पॉलिसी मैं समझता हूँ कमोबेश वही है, बनी हुई है। सरकार को इस बारे में सोचना तो चाहिए, लेकिन शायद सरकार इसकी सेंसिटिविटी को समझती है, उनको समझ में आता है ये मुट्ठी भर किसान है या थोड़े किसान हो या ग्रुप किसानों का हो, लेकिन अगर इन पर कोई ज्यादती की गई तो ये बहुत ज्यादा प्रोपगेटेड होगा, मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जाएगा और जो आंदोलन अब नहीं है वो शायद उठ खड़ा होगा। सरकार शायद उस सेंसिटिविटी को समझ के, आंसू हमने देखे थे, अगर टिकैत साहब के आंसू की बात करूं, किस तरह से दोबारा जान डाल दी थी ऑलमोस्ट मरते हुए आंदोलन में, तो इस तरह की बात सरकार समझ रही है और ये स्ट्रेटजी, सरकार ये चाह रही है कि इनकी सच्चाई, जैसे आपने भी बताया मुद्दे से भटक गए, सरकार ये चाह रही है जो मैं समझता हूँ कि इनकी सच्चाई सारा देश अपने आप ही देर सवेर जान जाएगा और उनके साथ धीरे धीरे लोग नहीं होंगे, इसलिए नहीं तो आप देखिए धारा 144 लगी हुई है, वहाँ पे ना कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, यानी रूल्स तो वहाँ पे सुबह से शाम तक तोड़े ही जाते हैं, तब भी सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, उनको लगता है कि इनके खिलाफ एक्शन लेने से शायद देश में माहौल बिगड़ेगा, शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए शायद इससे बच रही है, मेरा यह मानना। शांति व्यवस्था के साथ साथ वोट की बात भी पूछे नहीं, मैं इसमें आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। वोट पॉलिटिक्स अगर बीजेपी को करनी होती है, उसको लगता कि सारे लोग इनके साथ हैं तो उनको क्या फर्ज पड़ना था, वो तुरंत इसमें अमेंडमेंट करने में या किसानों को इस बिल को रोक देने में तुरंत तैयार हो जाती, उसको वोट पॉलिटिक्स मेरे ख्याल से सरकार तो नहीं कर रही है। सरकार को ये लगता कि मेरा इसमें वोट जा सकता है, जैसे अभी लग रहा है कि टिकट और बाकी लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा के खिलाफ वोट डलवाएंगे, एकदम इलेक्शन पास आते ही एमएसपी में ऐलान कर दिया जाता है और बड़े बड़े किसानों के लिए ऐलान किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है
देखिए इलेक्शन तो मैं समझता हूँ साल भर में ना हर जगह कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं, एक बार कहीं म्यूनसिपलिटी का होगा, कहीं विधायक का होगा, नहीं तो थोड़ी देर 5 साल बाद आपका संसद का चुनाव, तो चुनाव तो चलते रहते हैं। दूसरी बात एमएसपी की, जहां तक मेरा सवाल है, मैं भी स्टडी करके आ रहा था तो मैंने देखा एमएसपी तो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ती है, हर राज्य अलग अलग एमएसपी रखता है। अभी गन्ने की एमएसपी बात करें, उत्तर प्रदेश की एमएसपी पंजाब की एमएसपी से बहुत ज्यादा है, जबकि पंजाब की जो सरकार है वो किसानों के साथ खड़ी है, इतना ही साथ खड़ी थी, वो एमएसपी क्यों नहीं बढ़ा देती। यानी राज्य की पॉलिटिक्स अलग है और दूसरी बात है केंद्र की पॉलिटिक्स अलग है। तीसरी बात, किसान का जो है वो तो ऐसे जो एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है, ये तो ट्रेड बिल है, ये तो व्यापार का बिल है, इसे किसानी का कोई लेना देना है नहीं। तो ट्रेड बिल के ऊपर इतना ज्यादा हवा क्यों मनाई जा रही है? भाई आपको कृषि में कुछ करना है तो स्टेट सब्जेक्ट है, आप लाइए कोई भी बिल और करिए, और इसमें कोई भी जाति नहीं, अल्टरनेटिव भी बिल है। आप देखिए इनकम टैक्स में 2 स्लैब चलते हैं, तो जिसको जो स्लैब अच्छा लगता है वो ले रहा है, तो इसमें ये तो नहीं कि दूसरा स्लैब क्यों ले आया, तीसरा स्लैब क्यों लाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है ले लीजिए। मुझे लगता है ये बिल्कुल राजनीतिक आंदोलन है, इसमें कहीं भी लॉजिक का या किसानों से कोई लेना देना ज्यादा है नहीं। ठीक है, राजनीतिक आंदोलन है प्रदीप जी, जिस तरह से आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे आप वो बीच में कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन ये सवाल का जवाब दीजिए कि जिस तरह से इलेक्शन पास आते ही योजनाओं की भरमार हो जाती है, किसानों को लेकर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि रोज नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो नरम आप पढ़ रहे हैं इस पर भी सवाल उठ रहा है, मंशा पर भी सवाल उठ रहा है। नवजोत जी, देखिए आप ही ने कहा कि चुनाव आते ही योजनाओं की भरमार हो जाती है, और फिर आप कहने की रोज नई योजनाएं आ रही हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि सरकार कितनी कटिबद्ध है, कितनी प्रतिबद्ध है किसानों के लाभ के लिए। लग रहा है कि इस वक्त जब आपको शिलान्यास का समय नहीं है, इस वक्त आपको इनॉग्रेट करना चाहिए और आप शिलान्यास कर रहे हैं, तो ये भी इसलिए विपक्ष के जो सवाल है सर मैं आपसे उठा रही हूँ, ये लगातार विपक्ष इस तरह की बातें आप पर पूछ रहे हैं कि इस वक्त जब इलेक्शन कुछ ही महीने दूर है तो आप शिलान्यास कर रहे हैं। नवजोत जी देखिए, जब विपक्ष की सरकारें थीं तो एक टेन्योर में शिलान्यास होता था, दूसरे टेन्योर में उसका जो है भूमि, एक टेन्योर में भूमि पूजन होता था, दूसरे टेन्योर में शिलान्यास होता था, और तीसरे टेन्योर में उनका उद्घाटन होता था। हमारे में तो कम से कम हमारे ही टेन्योर में पूरा हो जा रहा है, कभी देर कभी सवेर, वैसे देर सवेर वाली हमारी सरकार है नहीं भाजपा की, लेकिन जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ये पूर्णतया राजनीतिक आंदोलन है, वो हो गया है, किसानों का आंदोलन रहता तो इसकी बात ही कुछ और थी, लॉ कहीं और होती, और सही में किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है, इसकी टाइम टू टाइम इवेंट की फंडिंग होती है, कभी 12 विपक्षी पार्टियां इसका सपोर्ट कर रही हैं, तो हर विपक्षी पार्टी अगर एक भी इवेंट स्पॉन्सर करेगी तो वो 12 बार हो गया, 14 बार सरकार बुला चुकी है, इतने दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी बातचीत नहीं हुई है जब से हमने देखा है। अरे सुन कहाँ रहे हैं ये लोग, सुन कहाँ रहे हैं, देखिए इसमें तो अगर अरे तो हम तो तैयार ही नहीं, सरकार तो तैयार है। आज 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 देखिए, आज जो है केंद्रीय कृषि मंत्री गहलोत जी का क्या बयान आया, उन्होंने कहा कि भैया हम तैयार हैं। अब जब हम तैयार हैं आने के लिए, इनके पास कोई मॉडस ऑपरेंडी है ही नहीं ठीक से कि कौन जाएगा। टिकैत जी कहते हैं, टिकैत जी आजकल पोस्टर बॉय बने फिर रहे हैं किसान आंदोलन के, एक्चुअली वो चुनाव की तैयारी है, और इस बार भी वो जमानत जब्त कराएंगे, जानती है जनता इस देश की। ये कृषि आंदोलन को ये जो है अपने अपने तर्कों पे कह रहे थे, मैं बात तो कहना चाह रहा था कि आज जो पत्रकार इनसे बात कर रहे थे उनके सीधे ही वो बोल रहे हैं कि क्या उनके पेरोल पे हो, इनको हर आदमी जो सवाल करता दिखाई देता है वो सरकार के पेरोल पे हो जाता है। पत्रकार जो जो इस देश के पत्रकार, आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि जो सवाल उठाए हैं उस पर सवाल पूछ देंगे, उसमें नहीं, नहीं, तो पत्रकारों के लिए तो कुछ नया नहीं हो गया, नहीं तो क्यों ट्रेंड चल रहा है, लेकिन कम से कम देखिए या फिर आंदोलनकारी हो जिनके खिलाफ आप सवाल पूछ देंगे वो पूछ देंगे कि आप दूसरी पार्टी नहीं नहीं नवजोत जी, मैं इससे इत्तेफाक थोड़ा सा नहीं रखता हूँ, क्योंकि यहाँ ये जो पैटर्न अभी टिकैत जी ने जो विकसित किया है ये बड़ा नया नया है, सीधे फ्रंट पे ही पूछ लेना, ऑफ एयर या ऐसे सामाजिक कर्टसियस बातचीत में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन सर उनको राजनीति नहीं आती, वो बोलते हैं जो है फिल्टर बिल्कुल नहीं करते हैं, खुलकर बोलते हैं। नहीं नहीं ठीक है, खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन जिस चीज को बोलने के लिए आए कम से कम उसका तो होमवर्क ठीक करके आए, जिसके लिए वो इतना पटंगड़ बना रखे हैं वो तो कम से कम ठीक से बोले, वो भी जब लुटिया दुबा के रखी है। लेकिन आपकी सरकार से तो उम्मीद है, आम आदमी की जो परेशानी है वो आप देख रहे हैं। नवजोत जी मेरी हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के साथ सिंक्रोनाइज है, जनता भी समझ रही है कि सरकार की मजबूरी क्या है। अभी आदरणीय अनिल जी ने बताया कि सरकार कभी भी जास्ती करना, जास्ती कांग्रेस की सरकारें करती हैं, हमारे डिक्शनरी में जास्ती नामक कोई शब्द है ही नहीं, हमारी जो डिक्शनरी में सर्वोपरि जो top 10 words है वो प्रगति, वो है विकास, जनता का कल्याण, किसानों का हित। 350 रुपया MSP बढ़ाया गया उत्तर प्रदेश में अभी, अब इस पे तो किसी की बोली नहीं निकल रही, विपक्ष बोलेगा भी कैसे, खैर विपक्ष अपनी मर्यादा, मतलब विरोध की मर्यादा, अच्छी भी बात हो रही हो तो विरोध की मर्यादा करते रहिए। तो अभी देखिए ये सारे तर्कों का हम डिस्कशन ऑन एंड ऑन एंड ऑन कर सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि जनता भी जान चुकी है। हम देखिए
लिटरेचर जो पब्लिश होता है, आप जो दिखाते हैं या जो चर्चा होती है या जो सोशल मीडिया पे आता है, भारत बंद नहीं है नंबर 1 पे टॉप कर रहा है, भारत बंद है नंबर 4 पे टॉप कर रहा है, ये कुछ तो संकेत दे रहा है ना ये। ठीक है, अगर सड़क की बात करूं, प्रदीप जी ने कहा कि ट्विटर पे ट्रेंड तो उन्होंने बता दिए, लेकिन अनिल जी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आम आदमी को परेशानी हो रही है, आप भारत बंद करते हैं और पार्टीज अगर उसको समर्थन करती हैं तो सरकार को कुछ स्टेप्स तो लेने होंगे, क्योंकि ये आम आदमी की बात है। आप देखिए कितना लंबा जाम है, गाड़ियां रेंगती हुई जा रही हैं, इस तरह से अभी कोरोना टाइम चल रहा है, वैसे ही बहुत सारी महामारी की मार झेल रहा है, और इस टाइम इस तरह की चीज़ें, सरकार कुछ तो सोचना चाहिए। नहीं, ये बात तो आपकी ठीक है, मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे और सिर्फ तमाशा देखते रहे, ये तो उचित नहीं है, ये तो मैं आपकी बात ठीक मानता हूँ। लेकिन सरकार के साथ परेशानी क्या है, आपको मैं एक किस्सा याद दिलाना चाहता हूँ। जब सीए के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, जामिया के बाहर तोड़फोड़ हुई, बसों में आग लगा दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने उपद्रवियों का पीछा किया, उपद्रवी जामिया मिलिया इस्लामिया के कॉलेज में घुस गए, पुलिस उनके पीछे घुसी और उनको पकड़ पकड़ के बाहर ले आई, तो उन पर इल्जाम लगा कि छात्र कॉलेज में घुसी पुलिस, इनके ऊपर ज्यादती की गई। एक बार थोड़े दिनों बाद ये घटना की पुनरावृत्ति होती है जेएनयू में। जेएनयू ने पिछले जो हुआ उसके पुलिस ने पिछले साल का पिछले बार का एक्सपीरियंस से ध्यान लेते हुए वहां पे कैंपस के अंदर नहीं गई, फिर इल्जाम लगा कि कैंपस के अंदर उपद्रव मच रहा था, पुलिस क्यों नहीं गई। यानी जनता को, विपक्ष को, किसी को भी कुछ ना कुछ कहने के लिए मुद्दा चाहिए। लेकिन ये बात ठीक है, जैसे मैं सीए की बात कर रहा था, जैसे ये सरकार की और प्रशासन को कैद कर दिया जाता है, उत्तर प्रदेश में नोएडा वासियों को कैद, ये जेल की सजा क्यों मिल रही है? मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूँ, बल्कि सहमत हूँ कि भाई अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन की जिम्मेदारी है तो उसको रास्ता तो प्रशासन को ढूंढना पड़ेगा। अगर कहीं उसको लगता है कि सामने वाले गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, तो उसको निपटना सरकार का काम है। हाथ पे हाथ रख के आंख मूंद करके नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो सीए के मामले में साइनिंग वाक का प्रदर्शन हो, चाहे इसका प्रदर्शन हो। इसमें 144 लागू की है तो आपको थोड़ा बल प्रयोग करना पड़े या कुछ करना पड़े तो करना पड़ेगा। या तो आप उनके साथ खड़े हो जाइए या फिर आप उनको जैसे मर्जी मनाइए, और नहीं मानते तो आपको अगर बल प्रयोग करना, इस तरह छूट नहीं दी जा सकती किसी को भी कि भाई आप मेरे साथ नहीं है तो आपको जो मना है सड़क पर कर लीजिए। आप देखो जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि भी इसका समर्थन कहीं नहीं, लेकिन पंजाब में हरियाणा में इसका समर्थन है। मैंने अलग टोल टैक्स देखे हैं हरियाणा में भी पंजाब में भी, वो टोल टैक्स सारे लोगों ने इकट्ठे होकर बंद करा दिए। यानी कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश है और सरकार को इस पे काम तो करना ही चाहिए। जी, और जिस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है, अगर टिकैत साहब की बात करूं तो जिस तरह से वो सरकार को खुली चुनौती देते हैं, उसके बाद भी ये एक बड़ा सवाल उठ जाता है सरकार पर, और ऐसी सरकार पर जो जिस तरह से डिसीजन लेती है और जिस तरह की छवि रही है मोदी सरकार की, और कोई नेता आकर इस तरह सरकार को चुनौती देती है तो छवि भी खराब होती है। नहीं, छवि की तो एक बात, दूसरी है, मैं ये कह रहा हूँ छवि की बात आप समझिए, पब्लिक में बनेगी बिगड़ेगी, मीडिया बनाएगा बिगाड़ेगा, ये बात नहीं। लेकिन शासन और प्रशासन चलाने का जिनका दायित्व है वो सिर्फ जनता को प्रदर्शनकारियों के हवाले कर दें, ये उचित नहीं है। मेरा ये कहना है इसमें कुछ भी बात समझ के सरकार को आगे तो आना ही चाहिए। सरकार ने 10 महीने का इंतजार कर लिया है, 26 जनवरी को भी देख लिया है, आज क्या होने वाला है। खैर, आज मेरे ख्याल से सरकार सचेत है, वो शायद नहीं होगा जो 26 जनवरी को हुआ, लेकिन तो भी पंजाब की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को, दिल्ली की जनता को, हरियाणा की जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, और इसकी सारी जिम्मेदारी आंदोलनकारियों के साथ साथ सरकार की भी है। तो सरकार को अपना काम तो करना पड़ेगा, बातचीत कर रहे हैं नहीं मान रहे तो आपको कुछ ना कुछ अटैक करना पड़ेगा, या तो आप इनको लेके जाइए या इनको मनाइए या इनको हटाइए। सड़क जाम करने का कोई तरीका ठीक नहीं है, और आंदोलनकारी अगर गैर कानूनी रूप से सड़क जाम कर रहे हैं तो आपको कानून का साथ लेना चाहिए, कानून जो कहता है उसको मानना चाहिए। संवेदनशीलता अपनी जगह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून और व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, इस पर काम करना चाहिए। जी प्रदीप जी, आपका रिएक्शन, और साथ साथ ये भी समझना चाहूंगी कि अगर आंदोलन की बात की जाए और समर्थन आप देखिए तो पूरे इंडिया से, आप देखिए अलग अलग पार्ट से उनको समर्थन मिल रहा है, और ये कहना कि सरकार क्या कहते हैं डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बिलीव करती है, तो आप ये बताइए कि जिस तरह से दिल्ली को कैद कर दिया जाता है, दिल्ली वासियों को कैद कर दिया जाता है, लाल किले में जो हुआ उसके बाद भी किस डेमोक्रेसी का इंतजार करते हैं? नवजोत जी, देखिए आपने जो ये सवाल पूछने में ही बहुत सारी बातें बता दी। लाल किले पे जो हुआ, सरकार उसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं चाहेगी। किसान के रूप में ये खालिस्तानी बैठे हुए हैं कि नक्सली बैठे हुए हैं, ये किसी के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन सरकार के इस तरह के इल्जाम, जो लैंग्वेज होती है ना, आपके अगर बड़े नेताओं की बात करें तो वो कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, और दूसरी तरफ अगर जो छोटे लेवल पे अगर बात की जाए तो उनको मवाली कहा जाता है, नक्सली कहा जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है। अरे नवजोत जी, किसान है, कितने किसान हैं? किसान जो है साल भर 4 फसलें उगाता है, उसके पास फुर्सत ही नहीं है कि वो आकर के साल भर से आंदोलन करे। कोई कितना
कोई कितना कितना अमीर किसान हो, इस देश का औसत किसान 2 एकड़ से कम का है करने वाला, उसके पास समय नहीं है कि वो अपनी एक फसल को जो है नुकसान पहुंचा करके, एक फसल अगर नुकसान पहुंचती है तो दूसरी का वो ठेका ले ही नहीं सकता, उसको उस वही उस वो अन्नदाता है, वो करेगा काम, उसको अपना भी जीना है और देश को भी देखना है। ये जो आंदोलनजीवी है, ये आंदोलनजीवी ही है, 350 रुपए 250 रुपए दिहाड़ी पे ये आंदोलनजीवी जो चलते हैं, इनको किसान को मेरा मानना है कि इनको किसान कहके किसान को बदनाम करना है। रही बात कानून व्यवस्था की, तो सरकार लोकतंत्र की रक्षक है, सबको अधिकार है। भाई साहब ने बताया कि 144 धारा लागू है, कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं है, अगर अब देखना होगा कि किस तरह से ये भारत बंद का क्या असर रहता है। प्रदीप जी आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। अनिल जी आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। अब ये देखना होगा कि कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन है 10 महीने पूरे हो गए हैं और सरकार जो है तैनाती अगर बात की जाए तो मुस्तैदी से वो सतर्क है इस पूरे बंद को लेकर, लेकिन क्या ये बंद जिस तरह से लगातार हो रहा है उस पर जनता को जिस तरह का नुकसान हो रहा है उस पर सरकार को विचार करना होगा। इस खास पेशकश में इतना ही, सारा।